हेलो गाइस, तो दिस वीडियो रिगार्डिंग द गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जिसको हम जीजीयू बिलासपुर भी बोला जाता है। इसकी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट को ईमेल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। अभी तक मेरे पास 6 बच्चों का कांटेक्ट हो चुका है, ठीक है, स्पेशली इन बी फार्मेसी एंड बीएससी एंड अदर कोर्सेज की जो है इस कॉलेज के अंदर। अभी ऑनलाइन आगे कोई फर्दर राउंड नहीं आने वाला है, अलग अलग कोर्सेज के लिए यार अलग अलग है। हो सकता है आपका जो कोर्स है वो अलग हो, उसके अंदर अलग राउंड आने वाला हो। ईमेल पे बच्चों को जो सेपरेट लिखा आ रहा है, मैं एडिटिंग के अंदर हो सकता है इसको अटैच करने की कोशिश करूँ, ठीक है, कि जो है ऑनलाइन काउंसलिंग अभी स्टॉप हो चुकी है। ऑफलाइन काउंसलिंग में जो भी सीटें वैकेंट है हमारी कैंपस के अंदर, आप जो है ऑफलाइन आके जो यहाँ पे सीटों के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन जा सकते हैं। अब भैया हमें ऑफलाइन क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा लेके जाना है एंड क्या सारा प्रोसेस रहेगा, कितनी फीस लगेगी, कब जाना है, राइट, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है, कितनी सीटें बची हुई है, कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, हम वहाँ पे जाएं या फिर जस्ट लाइक हमने उस कॉलेज को रजिस्टर नहीं किया था तो क्या हम एलिजिबल है, क्या हम एलिजिबल नहीं है। तो इन सब प्रोसेस के लिए जो है आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा CUET का पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पे आपको जो है पूरी अपडेट दी जाती है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कोर्स के अंदर होगा, कितनी सीटें वैकेंट हैं, राइट। तो ये सारा प्रोसेस रहता है रिगार्डिंग द एडमिशन। और भी आप लोगों की कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस प्रकार से जो है बहुत सारे कॉलेजों के अंदर एडमिशन अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन एंडिंग पे है, ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो 15 तारीख से पहले पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप ही मान के चलो कि 12-13 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज जो है 2 नवंबर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल एक्शन लेना चाहिए रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड अदर। आप लोगों की कोई और भी कोई क्वारीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।